सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ये देखिए, डुगू आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके लिए ऑनलाइन ये कुर्ता पैजामा बुक करी थी। कह रहा था कि मम्मी मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगी, तो उसी से पसंद करवाई थी, तो इसको ये वाला पसंद आया था कलर। तो डुगू कह रहा था यही ऑर्डर कर दो मम्मी। तो मैं 2-3 दिन पहले इसे ऑर्डर की थी, तो मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा। 2-3 दिन पहले की थी और 5-6 दिन का टाइम बता रहा था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही आ गया। और कल है रक्षाबंधन और आज आ गया। तो मैं इसका नाप रही थी कि कहीं बड़ा या छोटा तो ना हो जाए, लेकिन ना ही बड़ा था ना ही छोटा था, लेकिन ठीक ठाक था, मतलब हल्का फुल्का ठीक था, बड़ा था हल्का सा। और पैजामे बहुत ज़्यादा ढीली थी, तो इसको बस फिटिंग करवानी थी। पैजामे बहुत ज़्यादा ढीली थी इसी वजह से। तो नाप रही थी, ये पहन के सबको दिखा रहा था, पहन के सब जगह, मतलब अपनी दादी चाचा बुआ सबको दिखा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं खुश भी हूँ, तो लेकिन मैं खुश ही रहना चाहती हूँ आज के दिन, दुख नहीं, क्योंकि भाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बड़े वाले मामा के लड़के आ रहे हैं, तो वो भी भैया लगेंगे मेरे, तो वो आ रहे हैं मेरे से राखी बनवाने। तो ऊपर के मन से खुश हूँ, लेकिन उतना खुश नहीं हूँ, लेकिन खुश हूँ। तो कोई नहीं, भगवान ने जो लिखा रहता है किस्मत में, तो आज मैं खुश रहना चाहती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं पहनी हूँ साड़ी, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। अभी अभी जस्ट मामी का कॉल आया था कि जल्दी बहनी रेडी हो जाओ, भैया निकल गए तुम्हारे। तो मैं बोली ठीक है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी अब आने वाली है, क्योंकि आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पूछिए मत। 3 घंटे लगातार बारिश हुई थी, नॉन स्टॉप बारिश हुई थी। और इधर डुगू भी सो गया रेडी वेडी होके, ये देखिए पिटकुनिया होके सो गया है। और इसको राखी बांध दिया यहाँ पर बड़ी मम्मी जी की, मतलब उनकी नातिन थी, वही राखी बांधी है, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर की लड़की अभी आई नहीं है, बारिश के वजह से नहीं आ पा रहे थे। अब बारिश रुका है तो शायद अब निकलेंगे। तो ये सो गया है, तो थोड़ा सा क्लिप शूट करें तो आप सभी देखे ही होंगे। तो ये देखिए कैसे सोया है। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं काम कर रही थी, तो बोली थी थोड़ा सा शूट कर दी थी, फिर मैं बोली थी दीदी आप शूट कीजिएगा। और मेरी ननद जी भी बांधी है देवर जी को राखी, तो जो भी मेरे से हो सका है वो मैं शूट करी हूँ। और आगे इसके बाद भी शूट होगा तो देखिएगा। ओके, तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाती हूँ, और रेडी होने के बाद आप सभी से मिलते हैं फटाफट। जो भी मेकअप है, मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ, मेरी ननद जी मेहंदी लगाई है, कल कह रहे थे सभी लोग मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं किया। खुश हूँ लेकिन उतना खुश नहीं हूँ, इसलिए मेरा आज पहली बार हाथ सोना सोना है। ये तो पहले ना मैं हमेशा मेहंदी लगा के रखती थी, जब भी रक्षाबंधन आता था मेहंदी मैं ज़रूर लगाती थी। कोई नहीं, फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे दी आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हो, तो मैं इस वजह से व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा कैमरा ख़राब है और नीचे ना बिल्कुल धुंधलापन आता है, बिल्कुल क्लियर नहीं आता है। आप सभी खुद ही देख लीजिए पीछे से, मतलब बिल्कुल धुंधलापन आ रहा है, झिनझिन आ रहा है कैमरा, मतलब अजीब सा आता है, इसलिए मेरे को बनाने का मन नहीं करता। जब मतलब कोई चीज़ क्लियर ना आए, साफ ना दिखे, तो डालने से क्या फ़ायदा है इसी वजह से। और कोई देखता नहीं है, तो इसी वजह से मन भी नहीं करता है डालने को। और शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह बनाना होता है, तो मैं ऊपर आती हूँ, तो जब थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है, वैसे नीचे बिल्कुल साफ, 3 लाइट जल रही है फिर भी क्लियर नहीं आ रहा है। आज मैं फटाफट रेडी हो चुकी हूँ, नेल पेंट सारा मेकअप मेरा हो चुका है। यह हर लड़की भूल जाती है, मैं भी भूल जाती हूँ नेल पेंट लगाना। रेडी हो गई, इयर रिंग पहनना भूल गई थी और नेल पेंट लगाना, तो जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। भैया आने ही वाले होंगे, 3 बजे का ही निकले हुए हैं। कितना बजे है? 4:30 बजे है। फटाफट तैयार हो गई,
तैयार भी हो गई, बस नेल पेंट लगाना है। अभी अपनी सिस्टर के पास कॉल लगाना है कि वो कब तक आ रही है, निकली है कि नहीं। बारिश तो रुक गई है कुछ नहीं। आज मैं फर्स्ट टाइम से जल्दी तैयार हुई हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। मेन चीज़ मैंने हेयर स्टाइल कुछ नहीं बनाया, सिंपल सा बनाई हूँ मैं। और आज खाने में इतने सारे पकवान बनाए, पनीर की सब्जी, चावल, पूरी, खीर, आलू गोभी की सब्जी, पूछिए मत, टाइम बहुत लगा था। और चाय, पहले अलग चाय बना था, फिर मैं, आज मेरा फास्ट है, आज पांचवा सोमवार है या लास्ट सोमवार है, तो आज भी मेरा फास्ट है। आज रक्षाबंधन है और आज भी मेरा फास्ट है, तो फिर अपने लिए भी चाय बनाई। आज मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ, अच्छी लग रही है कि नहीं बताइएगा कमेंट में। महावर भी लगा लो बस, मिल्कन फ्लम्पन महावर लगा लेते हैं। ये रहा महावर, सिंपल सा भी लगा लेती हूँ मैं, इस डिजाइन में डिजाइन नहीं बना रही। बारिश हो गया तो थोड़ा ठंडा मौसम है, वो मस्ता नहीं है, ठीक लग रहा है। इस बार डुगू ना रोया नहीं, आराम से राखी बनवा लिया, पिछली बार तो बहुत रो रहा था, पूछिए मत। जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। कौवा बोल रहा है, कौवा बोलता है तो शुभ होता है। महावर एक पैर में लग चुका है, एक पैर में लग चुका है, ये देखिए। अब इसमें लगा लेते हैं फटाफट। इधर बिस्तर लगाई थी, बच्चे खराब कर दिया, अभी फिर से सही से लगाना है बिस्तर, और सारा काम हो गया घर का।
बर्तन वगैरह झाड़ू वाड़ू सारी अच्छे से सारी सफाई कर चुकी हूँ। तो मैं हवा लगा के फिर आप सभी से मिलती हूँ। ओके देखो अब चावल कौन सा हाँ मामी तो कह रही 3 बजे से निकले हैं। अब क्या कौन बाटू तो दुकान तैयार ले लेते हैं। एक और राखी मंगवा दीजिए एक जन और भैया के साथ आ रहे हैं। और जब आना ही दूसरी भैया तो रोल ना पैसा मिलता तब रात में तू कहाँ बा कहना को बजे बाट कहीं ना कहीं को बजे रात कहीं है तो मान जी राती का ये घर में तो केल ये राती में कोई जाए लोग एक राती नहीं केल बनाई वो नहीं है तो हम फर्ज निभा रहे हैं। एक दू बेर भैया फोन तो पापा नहीं रहना बुआ कैले रही उनके सुना तब उतना नहीं खे बोल जाता कुछ और बोल तली कुछ और सुना ला नहीं कुछ कह जाता तो कहतली आहतली हो गई फोटो खींच दीजिए बाबू का फोन लेके आइए। सो फ्रेंड्स आज पहली बार मेरी ननद जी मेरे को राखी बांधी है। अजीब सा महसूस हो रहा था पहली बार लाइफ में मेरे कलाई पर किसी ने राखी बांधी तो मेरी ननद जी बांधी थी। इतना अजीब सा मतलब अच्छा फील हो रहा था कि मतलब हम मतलब कैसे शब्द नहीं है बताने के लिए लेकिन बहुत अच्छा फील कर रही थी मैं उस टाइम और बहुत ज़्यादा मतलब दीदी कह रही थी हंसो हंसो तो उसी पर मैं हंसा मतलब सभी लोग मेरे को हंसा रहे थे। और उस टाइम बुआ जी भी आ गई थी पापा जी से राखी बनवा रहे हैं तो पापा जी थे नहीं वो थे दुकान पर तो क्या वही बात बात चल रहा था सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। और तो पहले मेरी ननद जी बांधी और एक और है दीदी आई थी वो भी बांधी दोनों दीदी मेरे को बांधी हैं दोनों दीदी मेरे से बड़ी हैं इसलिए मैं दीदी कहती हूँ और दोनों जने मेरी ननद लगेंगी क्योंकि डुगू के पापा नहीं है ना मेरे पति देव गए हैं मतलब मेरे मायके तो वहीं किसी काम से गए हैं तीसरी वजह से वो नहीं है तो कह रहे थे सभी लोग कि इन्हीं को बांधो तो फिर मेरे को बांधे तो ये रस्म मेरे को निभाना पड़ा तो उसी बात पे बात चल रही थी सभी लोग बड़े लोग मतलब वहाँ बैठे थे बात कर रहे थे। और फिर ये देखिए फिर ये देवर जी को दीदी बांध रही और दुग्गू और काजू को ना दीदी की लड़की बांधी थी जो मेरी चचेरी मतलब बड़ी वाली मम्मी जी की लड़की है ना तो उन्हीं की लड़की बांधी थी दोनों बच्चों को क्योंकि अभी मेरी सिस्टर आई नहीं थी इसी वजह से बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा तो
तगड़ी वाली बारिश हो रही थी, तो मैं आप सभी को बताई हूँ कि बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे बारिश, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बारिश हुई थी, इसी वजह से नहीं आ पाई है और थोड़े लेट आएगी। तो जब तक ये बांध दिए थे बच्चों को, और इधर देखिए दीदी राखी बांध रही है, और देखते देवर जी क्या देते हैं, बहुत हंसी आएगी। और ये व्लॉग ना थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो पूरा वॉच कीजिए, बहुत मज़ा आएगा और पूरा एंजॉय करके देखिए। और बहुत मतलब ये साल में एक बार आता है बहनों के लिए, तो भाइयों के लिए तो ये खर्चा वाला दिन है, लेकिन बहनों के लिए मज़े ही मज़े हैं। तो बहुत अच्छा लगा, तो आप सभी बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय करते रहिए। गिफ्ट दीजिए जल्दी रखिए जल्दी रखिए। रखिए ना, नहीं आएगा। पैसे रखिए, कुछ रखिए, गिफ्ट जल्दी रखिए जल्दी रखिए। खाली हाथ जा रहे हैं, लाइए जल्दी, अच्छी बात नहीं ना, तो पैसों लौटी ना। हाँ काजू डुगू। तो जब तक 2-3 महीने के लिए अपना ही फोन दे दीजिए ना। अब तो दीदी खुश हो गई।